क्या होगा अगर आप सुबह खाली पेट चना खाए। यह हमारे शरीर में ऐसा ताकत बनाता है, घोड़े को घोड़ा और इंसान को पहलवान और तगड़ा बनाता है। 80% लोगों को देसी चना खाने का सही ढंग खाने का नहीं पता। आज मैं आप लोगों को चने का ऐसे फायदा बताऊंगा कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। सबसे पहले खाने का तरीका और सही नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चने का पहचान कर लो। दोस्तों, ये जो छोटे आकार के होता है वो है देसी चना, और जो बड़े आकार का होता है थोड़ा वो है छोला, जिसका सब्जी बनता है। तो आपको छोटे चने यानी कि देसी चने लेना है। इसे खाने का सही समय है सुबह खाली पेट। देसी चना खाने से हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी और थकान दूर हो जाती है और हमारे शरीर में नई ताकत बनना शुरू हो जाती है। और दूसरा, शरीर का वजन कम करता है। जो बहुत ही मोटा है उसका कम करेगा मोटापा, और शरीर के जो मसल्स है मसल्स ग्रो करेगा और ताकत बढ़ेगा। और तीसरा, हमारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ जाता है, इसी कारण शरीर में थकावट नहीं आते हैं कभी। और ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप नियमित वर्कआउट करोगे। चौथा है फाइबर। दोस्तों, 100 ग्राम चने में 20 ग्राम फाइबर होता है, जितना कि हमें पूरे दिन में चाहिए। दोस्तों, पूरे दिन का फाइबर का कमी दूर हो जाता है हमारे शरीर से, तो ये हमारी अंतड़ियों और शरीर की सफाई भी करता है। अगर आप रनिंग वर्कआउट रोज करते हैं तो देसी चने आपके लिए कोई आशीर्वाद से कम नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम होता है, जो हमें एक ही बार में खाने को मिल जाता है। कुछ लोगों को तो चने खाने का सही फायदा और ताकत नहीं मिल पाता, क्यों, उसी कारण बात करेंगे अभी, ताकि आपको चने का पूरे फायदा मिले। सबसे पहले आप रात को जब सोने जाते हैं उससे पहले आप चना धो लें। धोने के बाद उसके साथ साथ आपको लेना है 5 किशमिश और 5 से 6 काट बादाम, बादाम गिरी भी कहते हैं इसे। आपको इन तीनों चीज़ों को भिगोना है, किशमिश, चना और बादाम गिरी, और ढक के रख दे। सुबह जब आप उठोगे वर्कआउट के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ जो पानी है ना उसी पानी को आपको पूरा पी जाना है। दोस्तों, हाँ, पानी को फेंकना नहीं है। सबसे पहले आपको पानी को अलग करना होगा। अलग करने के बाद आपको सबसे पहले पानी को पीना होगा, ताकि आपको सारे पोषक तत्व मिल सके। चना खाने के बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर उसके आधे घंटे बाद आप एक गिलास दूध भी पी लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। दोस्तों, हाँ, आधे घंटे बाद ही लेना है, अगर ले सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं। वरना चना, किशमिश और बादाम गिरी से आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पाचन शक्ति खराब है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखो, और अगर आपको हाइट इंक्रीज करना है तो राइट वाली वीडियो को देखो।